आपको बता दें, बढ़ती गर्मी और उमस के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई जिलों में आज पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। हालांकि कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कल दोपहर तक प्रदेश के कुछ जिलों में हवा के तेज झोंकों के साथ तेज बारिश का अनुमान है। जिन जिलों में दोपहर तक अधड़ के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, वे जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई और बलरामपुर। आपको बता दें, कुछ और जिले हैं जहां दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में हवा के तेज झोंकों की आशंका नहीं है। जिन जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है, वे जिले हैं बरेली, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, जालौन, प्रयागराज और भदोही। मौसम विभाग के अभी तक के अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें, 2-3 दिन बाद पूरे प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। मौसम साफ होने का मतलब ये है कि धूप तेज निकलेगी। इसकी वजह से न सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी होगी बल्कि भीषण उमस का भी सामना करना पड़ेगा। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि यूपी में 20 जून तक मानसून आने की उम्मीद है। मानसून बारिश के लिए प्रदेशवासियों को अगले 15 से 20 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मानसून की शुरुआत केरल से हो जाएगी। हालांकि इसके यूपी तक पहुंचते 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में अभी तक के अनुमान के मुताबिक 20 जून के आसपास यूपी में मानसून का आवागमन हो सकता है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मौसम के जानकारों के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का शेड्यूल लगभग हर जगह बदल सकता है। हालांकि कुल बारिश उसी तरह के होने की संभावना है जैसा कि पहले के अनुमान में जताया गया है। उन्होंने बताया कि समूचे उत्तर पश्चिमी भारत में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उसके साथ ही पंजाब के ऊपरी हवा का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। वहां से एक अक्षीय रेखा दिल्ली के दक्षिण से होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश आ रही है। इसके अलावा हवा पूर्वी है और नमी बढ़ रही है, इससे बदलाव से बादल बनने में भी मदद मिलेगी। ऐसे में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। उन्होंने बताया कि मौसम के इस बदलाव का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में देखने को मिलेगा। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि वहीं देर रात शहर और देहात में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने बेस्ट यूपी में सबसे अधिक आम की फसल को नुकसान पहुंचाया। मई माह में जाते जाते बारिश के साथ आंधी ने सब्जी को फसल को नुकसान पहुंचाया है। आम के बागों से जुड़े व्यापारियों को कहना है कि इस बार आम की फसल पहले से कम है, उसके बाद आंधी नुकसान पहुंचा चुकी है। आपको बता दें, देर रात अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने नरमी के साथ राहत तो दी, लेकिन आंधी ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। देहात इलाकों में कंकड़खेड़ा और जानी इलाकों से ओले भी पड़े। मेरठ के अलावा बागपत, हावड़ा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में भी अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।